भारत आ रहा है, भारत का सबसे सच्चा और पक्का दोस्त है, रूसी दोस्त है, भारत के लिए ला रहा है बड़ा तोहफा। दोस्तों भारत रूस की दोस्ती को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इन 50 सालों की दोस्ती में दोनों देशों ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन 50 सालों में सोवियत संघ टूट गया और अब सिर्फ रूस बचा है। 9 अगस्त 1971 को भारत और उस समय के सोवियत संघ ने दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त दोनों देशों के संबंध की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसने विश्व के समीकरण में कई बदलाव कर दिए थे। इतना ही नहीं, इससे न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया गया था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, सियासी समीकरण भी बदलते गए, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है जैसे कि 50 साल पहले थी। इन सालों के बीच कई बार ऐसा वक्त भी आया जब ऐसा लगा कि यह दोस्ती की सांठगांठ अब ढीली पड़ने लगी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रूस ने भारत का कभी भी साथ नहीं छोड़ा। इसी साल अगस्त में भी कुछ ऐसा ही लगा कि भारत की चीन से बढ़ती दुश्मनी और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी के कारण वो रूस से दूर हो रहा है। इसी साल अगस्त में रूस ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया था। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका शामिल हुए थे। उस समय भी भारत रूस संबंध को लेकर तरह तरह की कयास लगाए गए थे। दरअसल समय के साथ दुनिया के समीकरण भी बदल रहे हैं। इस समय अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा चल रहा है। रूस के साथ तो अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, लेकिन यूरोप में इस समय जो उठापटक चल रही है, अमेरिका उसके लिए रूस को जिम्मेदार मानता है। वहीं कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर सवाल खड़े कर रही थी, तब रूस से चीन के बीच दोस्ती की गांठ को मजबूत कर रहा था, लेकिन चीन से दोस्ती के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। जबकि चीन और भारत के बीच एलएसी सीमा पर क्या हालात बने हुए हैं, इससे रूस भी वाकिफ है। हालांकि भारत ने भी कभी रूस के लिए कुछ गलत नहीं किया। भारत ने रूस से ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है जिसकी डिलीवरी रूस ने इसी महीने शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका इसको लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, साथ ही प्रतिबंध की धमकी भी दे रहा है। लेकिन भारत ने भी अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए जोश के साथ अपना सौदा जारी रखा है। वहीं अब पुतिन के भारत आने से देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में भी बताने वाला हूं जिसे रूस ने भारत को देने का ऑफर दिया था और उस पर डील होना बाकी है। 6 दिसंबर को भारत आ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, पुतिन की भव्य स्वागत की तैयारी में जुटा भारत। भारत और रूस के बीच पहली 2+2 वार्ता होगी। दोस्तों भारत और रूस की दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने 6 दिसंबर को भारत आएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें रक्षा सुरक्षा सहित दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इस शिखर सम्मेलन से पहले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी होगी। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाब्रोव और रक्षा मंत्री सरगेई सोई के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होगी। भारत और रूस के बीच होने वाली यह बैठक बेहद अहम होने वाली है। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही दोनों देशों के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसके अलावा हिंद महासागर, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बैठक में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रूस, भारत और चाइना के बारे में भी बातचीत हो सकती है। वैसे तो भारत और रूस के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है, लेकिन चाइना के मुद्दे पर दोनों देशों को और बातचीत की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 साल से एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आलम यह है कि दोनों देशों ने एलएसी सीमा पर घातक हथियारों को और सैनिकों को भारी संख्या में तैनात कर रखा है। तो वहीं चीन और रूस की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। चीन ने भी भारत की तरह रूस से ऐसे 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रखा है। ऐसे में चीन के साथ आगे की क्या रणनीति होगी, इसके लिए भारत को दोस्त को कॉन्फिडेंस में लाना ही पड़ेगा। माना जा रहा है कि मोदी और पुतिन की बातचीत में डिफेंस और ट्रेड पर भी अहम समझौता हो सकता है। इसके अलावा निवेश और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी दोनों नेता बातचीत कर सकते हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना वायरस के कारण 2+2 मीटिंग नहीं हो पाई। अब तक
भारत ने अपने तीन क्वाड पार्टनर देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग फॉर्मेट की शुरुआत की है। 6 तारीख से पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से आपूर्ति शुरू हो चुकी है। यह लंबी दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की हमारी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देगा। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए 2018 में 5 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए रूस से करार किया था। हालांकि अमेरिका इस करार पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लागू करना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन को अपनी सुरक्षा चिंताओं से वाकिफ करवाकर इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझा लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से भी कुछ हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाकर करोड़ों डॉलर की आमदनी पर लात नहीं मारेगा। दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। सन 2021 में भारत और रूस के बीच व्यापार 8.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दोनों ही देश इसे और ज्यादा बढ़ाने पर चर्चा जरूर करेंगे। इसके अलावा रूस मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों का निर्माण आधुनिक प्रोडक्शन फैसिलिटी में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी के अमेठी में दुनिया की सबसे घातक असोल्ट राइफल AK-203 का कारखाना भी लगाया गया है। इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो सकती है कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोस्तों, दोनों देशों के बीच नए हथियारों के सौदे को लेकर भी बात हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अपडेट वर्जन S-500 भी बना लिया है और वो इसे बेचने का ऑफर भारत को भी दे चुका है। और इतना ही नहीं, रूस अब S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है और हो सकता है कि पुतिन अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी को इसे भी खरीदने का ऑफर दे सकते हैं। रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अब रूस S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा है, तो जरा सोचिए कि कितना खतरनाक होगा। S-550 बनाने की कोशिश में जुटा रूस है। रूस भारत को दे सकता है S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का ऑफर। S-550 के सामने फेल हो जाएगी सबसे घातक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलों को भी कर देगा तबाह। दोस्तों, दुनिया में ऐसा माना जाता है कि सुपरसोनिक मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और कहा यह भी जाता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, रूस ने अपने इस नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाकर इसे फर्म को तोड़ दिया है। रूस अब एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में जुटा है जिसके सामने सुपरसोनिक मिसाइल कहीं भी नहीं रह पाएगी। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई और नहीं बल्कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सुपर अपडेटेड वर्जन S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसको बनाने की तैयारी में रूस लगा हुआ है। वर्तमान में अमेरिका और रूस के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ रही है, और ऐसे में रूस को अमेरिका से लड़ने के लिए घातक हथियारों की सख्त जरूरत है। तब रूस ने इस S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि रूस इसे बेचने का ऑफर भी भारत को दे सकता है। तो दोस्तों, अगले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और ये देखते हुए इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वे भारत के सामने S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बेचने का ऑफर रखेगा, क्योंकि रूस भी भारत को अपना एक सच्चा दोस्त के साथ साथ सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी देखता है। क्योंकि चीन तो केवल रूस के लिए नाम का दोस्त है, लेकिन दुनिया पैसे से चलती है और रूस ये बात अच्छे से जानता है कि भारत ही रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो दोस्तों, अगले महीने आ रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या भारत को अपने सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑफर देंगे और चीन की मौत का कारण बनेंगे? आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। जय हिंद।